यहाँ की 25,000 जनता या दर्शक नहीं, इसे भारतवर्ष के 130 करोड़ युवा सहित हमारे जितने भी पहलवानी के प्रति जो अपने इच्छा रखते हैं वो सभी आज के इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल आश्रम अखाड़े के गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी। शिवाली चतुर्वेदी जी का नाम लेते ही पहलवानी का एक नया रूप देखने को मिलता है, और जो कि आप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर निरंतर देख ही रहे हैं। और मैं आप तक बता दूं कि अब तक 51 लाख से ज्यादा लोगों ने, यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इनको लाइक भी किया है। तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और इनके आशीर्वाद के बिना तो इस चैनल का शुभारंभ करना मेरे हिसाब से एक उचित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आशीर्वाद देना चाहूंगा गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी का। गुरु जी कैसा लग रहा है आज के दंगल में? दंगल होगा, और माता की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमारा ऐसा मानना है कि दंगल का आयोजन सफल होना अनिवार्य है, सफल होना चाहिए। आज बहुत बहुत दूर से पहलवान आ रहे हैं और आपको काफी कुश्तियां दिखाई जाएंगी जैसा कि आप देख रहे हैं। और दंगल का शुभारंभ होने वाला है, अभी थोड़ी देर में मंत्री जी आएंगे, दंगल का फीता काट के उद्घाटन करेंगे। तदुपरांत सभी पहलवानों की, 5 पहलवानों की कुश्ती से दंगल स्टार्ट होगा, और चलते 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 आज राष्ट्रपति हमारे उमेश पहलवान, भारत के सिंह प्रसिद्ध अजय पहलवान एक मध्य होगी, और काफी कुश्तियां हैं। ये दंगल बहुत समय के बाद आपको ऐसा दंगल देखने को मिलेगा। इस दंगल में ट्राई कर सभी कुश्तियां काटा काटा आपको देखने को मिलेंगी, और कुश्ती का आनंद लें। सभी से मेरा अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल पर जो देख सकते हैं वो उस पर देखें, और जो आ सकते हैं वो जरूर आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सभी को आशीर्वाद मिल चुका है गुरु शिवाली चतुर्वेदी जी का, तो फिर देर किस बात की, इंतजार किस बात का, शुरुआत करते हैं आज के इस रामलीला मैदान से विशाल कुश्ती दंगल का। जय हिंद, जय भारत और जय हनुमान जी की। जैसे यहाँ से निकलेंगे ना रोड से, तो यही रोड पर ही मिल जाएंगे। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आज अखाड़ा गोपाल आश्रम के सौजन्य से दंगल हो रहा है, और गोपाल आश्रम अखाड़े के 25 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं हमारे दंगल के। 1998 में हमारे अखाड़ा गोपाल आश्रम का उदय हुआ था, और आज 2021 है, तो 25 साल पूरे, शताब्दी वर्ष के 25 साल पूरे कर चुका है हमारा अखाड़ा गोपाल आश्रम, और उसके सौजन्य से ये विशाल दंगल यहाँ पर आयोजित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे दंगल के बीच में आ चुकी है, उनका स्वागत करते हैं। उद्घाटन समारोह स्टार्ट करा दिया जाएगा। पहले हमारे बीच में मौजूद है जिनके हम दर्शन कराएंगे।
इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिलाध्यक्ष महोदय, और मैं जानना चाहूंगा मैम से कि मैम आज का जो ये कुश्ती दंगल है युवाओं के लिए किस लिए आवश्यक है और कितना ज्यादा ये जरूरी है कि युवा जो है कुश्ती जैसे खेल में प्रतिभा करें। यहाँ पर शिवानी जी जो गुरु जी है उनके द्वारा ये विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। आजकल जो अखाड़ा गोपाल आश्रम के द्वारा आजकल जो जैसा खान पान है, जैसी हमारी दिनचर्या हो गई है, उसमें ये जो हमारी व्यायाम करना है ये सब हमारी पुरातन संस्कृति है। तो जो खान पान है, जो हाइपरटेंशन और इस चीज़, ये सारी चीजें जो आज एक बहुत ज्यादा व्यस्त जिंदगी है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए व्यायाम करना और इस तरीके के आयोजन के द्वारा उनको प्रोत्साहन देना, आजकल की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देना, ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत अच्छा काम आज यहाँ पर हो रहा है। मैम आपसे आग्रह चाहूंगा कि आप आज के इस आयोजन के लिए अपना धन्यवाद हमारे आयोजक समिति को दें। मैं तो पूरी आयोजक टीम को, पूरे अखाड़ा मंडल को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे रोचक कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और जो यहाँ पर कुश्ती में हमारे युवा पहलवान आने वाले हैं उनके साथ साथ जो और युवा यहाँ पर देखने के लिए इतने सब इकट्ठे हैं, उनसे मैं कहूंगी कि व्यायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या का सबसे प्रथम कार्य सुबह उठते ही बनाना बेहद आवश्यक है। और यहाँ से मैं भी प्रेरणा लेके जाऊंगी कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से व्यायाम को अपना मूल सिद्धांत बना लूं। पहले मैं कहूंगा जनरल कमेटी के जो आयोजन मंडल के सहयोगी है अथवा जो कार्यकर्ता है पहलवान अखाड़ा वो इरादा करके सभी अध्यक्ष के पास आ जाए और अतिथियों का मुख्य अतिथियों का एवं उद्घाटन करता हूँ सम्मान करकर भैया देख ले कोई अनुभवी बच्चे को क्या चोट लगी है, कितनी लगी है, कुश्ती लड़ने के लायक है कि नहीं, क्या कह रहा है। सबसे पहले तो मैं शिवालय चतुर्वेदी जी को और गोपाल आश्रम अखाड़ा को बहुत बधाई देती हूँ। ऐसे वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराते रहे ब्रज में, क्योंकि यही ऐसा टाइम होता है जब सब लोग आपस में मिलते हैं, तो ये कल्चरल इवेंट्स के लिए और कल्चरल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही आप लोग स्पोर्ट्स को बढ़ाते रहे, क्योंकि फार्मा अकेडमी के थ्रू और वसुंधरा ब्लेसिंग फाउंडेशन के थ्रू हम लोग भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स स्पोर्ट्स को। आज यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्ल्स रेसलर भी आगे ये कुश्ती करती तो और ज्यादा अच्छा लगता, उससे पता चलता कि महिलाएं भी हर स्पोर्ट्स में जो है वो बराबर की सहभागीदारी उन लोगों की रहे। तो इसी के लिए मैं आप यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग गर्ल्स स्पोर्ट्स को भी सभी लोग प्रमोट करें। और आज हम लोग एक यहाँ पे नया मिशन लॉन्च कर रहे हैं विमेन चैंपियंस का, और आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा ब्रज के लिए स्पेशली और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए कि गर्ल्स स्पोर्ट्स जो है शुभकामनाएं। और जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर यहाँ पे आज रेसलिंग के लिए आए हैं सभी को यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ संपूर्ण ब्रज क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश से। तो सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो देखिए दूसरे दिन हुआ जाता है
कि शरीर बलिष्ठ हो, श्रेष्ठ हो शरीर, तो कितनी अच्छी बात है आपका शोक भी आपको यहाँ तक लाए। ऐसी जो हमारे पुस्तक की बैठी है जो तीन चार धन्यवाद। दोनों महिला पहलवानों का इनाम नकीन पहलवान की तरफ है, वो जो भी पुरस्कार देंगे दोनों मिलकर पहलवान देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ये गाना बहुत बढ़िया, जनार्दन पहलवान के चाचा श्याम सिंह कोच भी कुश्ती के लिए काफी समर्पित थे, आज उसी परंपरा को निभाने के लिए तो यहाँ पर व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, दंगल बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बड़ा दंगल है आज, बहुत सौभाग्य की बात है इस रामलीला ग्राउंड में इतना बड़ा भक्त है। अच्छे अच्छे पहलवान आने वाले हैं हरियाणा राजस्थान और पंजाब से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये कोई हरियाणा नहीं, ये यूपी है, और देख सकते हैं यहाँ पर दंगल का जोश पहलवानों में दिख रहा है, और आज शाम तक यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो है दंगल, यहाँ पर कुश्तियाँ जो है इस दंगल में आयोजित की जाएंगी। तैयार करते हुए समाज में लड़कियों पर बाहर निकलने और मेरा खुले मन था उत्तर प्रदेश का पहला विशाल जंगल मथुरा नगरी में, लेकिन उससे पहले जो चीज करके तब आगे भेजते हैं। ट्रेनिंग आप ही देते हैं? जी मैं मल्ल विद्या का संचालन विश्व मथुरा से ही स्वागत करेंगे। आपके सामने एक बता देना चाहता हूँ, कृष्णा नगर मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा दंगल हो रहा है बीजेपी मदन मोहन पाठक जी की किस्मत भाजपा शांति सभी की कुश्तियाँ हैं शुरू चलता हुआ, ये विशाल दंगल भारत का पहलवान आए अनुपम दंगल है। हरियाणा से भी पहलवान आए हैं, यूपी से भी आए हैं, और उमेश पहलवान भारत के सी हैं, उनकी भी कुश्ती आज कराई जाएगी, और अजय पहलवान है उनके साथ कराई जाएगी, हमारे ब्रज केसरी हनुमान पहलवान है उनकी कुश्ती भी होगी, और काफ़ी पहलवान हैं जैसा कि मैं आपको बताऊं, पूरी लिस्ट मुझे मालूम नहीं है। अब ये कुश्ती दंगल 11 बजे से चल रहा है और लगभग अब देखते हैं कितने बजे तक चलता है। सोनू पहलवानी दंगल में हमारी महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इस दंगल को देख कर और आए पुरुषों का नाम हो, क्योंकि हमारे मथुरा का नाम काफी समय से नेशनल लेवल में से गायब हो गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, और हमारा प्रयास आप लोगों के सबके सहयोग से ये हो कि ये प्रयास हमारा सफल हो और हमारे मथुरा जिले के पहलवान नेशनल तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम अपना करें। देश की जितनी भी महिला पहलवान हैं, जो लड़कियां हैं जो पहलवानी करना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देंगे कि कुश्ती के लिए समर्पित रहें, अच्छी मेहनत करें, अच्छी अपने गुरु साजों के पास में रहकर मथुरा का, यही हमारा सबसे कहना है। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आपने बहुत मथुरा में बहुत नाम कमाया पूरे यूपी में, दंगल कुश्ती करने का आपका? हमने तो देखो काफी हमारा निकल गया, अब मैं ये देखता हूँ 2001 में लास्ट कुश्ती, 80 में मैंने पहलवानी स्टार्ट करी थी, और इसी कुश्ती के बदौलत आज मुझे 3 स्टार मिले हुए हैं, और 10 साल पहले बीआरएस ले ली, बीआरएस लेकर अखाड़ा गोपाल आश्रम का संचालन कर रहा हूँ, उसमें लेडीज जेंट्स जो भी आते हैं उनको कुश्ती सिखाने का काम करता हूँ, कोई फ्री किसी प्रकार का फीस नहीं है, किसी प्रकार की बिजली फ्री, पानी फ्री, सिकलाई फ्री, एकोमेंडेशन फ्री, जितना मैं कर सकता हूँ सहयोग रहा, एक दिन इस कुश्ती को
नाम जिसका बोला केवल वो पहलवान मेरे पास है। मथुरा के अंदर भारत कैसी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान, तेरा जोड़ीदार नहीं है तो मैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारा मथुरा की पहचान हो, ये मेरा सपना है, इसी के लिए मैं कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दीपक जी कहाँ मौजूद हैं आज आप? जिस वक्त हम ब्रज, हमारे ब्रज में मथुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर भव्य कुश्ती का आयोजन कराया गया है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का और जो आयोजक कमेटी है उनका कि मुझे आपने इस शुभ अवसर पर याद किया और आमंत्रित किया। हमारे बड़े भाई हरिओम जी भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक बहुत अच्छे धावक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे परचम लहराए हैं और आने वाले समय में भी ये बहुत आगे तक जाने वाले हैं। हरिओम जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे यहाँ आने का बहुत मौका मिला, मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे गोपाल अखाड़ा रामलीला मैदान में जो विशाल दंगल का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, तो सभी एथलीटों से मैं आज बधाई देना चाह रहा हूँ। इसी अवसर पर एक 13 तारीख का इवेंट जो कि हम सौंक साइड में कराने जा रहे हैं, सभी एथलीटों से रिक्वेस्ट है वहाँ आने की ज़्यादा कृपा करें। जैसा कि भाई ने आपको बताया कि बहुत अच्छा एक जो रेस की प्रतियोगिता होने जा रही है, इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में PRD में मेरी जो कविता मैं दे के आया हूँ उनको जो रिकॉर्ड हुई है स्टूडियो में, वो आर्मी डे वाले दिन यानी कि 15 जनवरी को आप लोगों के बीच में आएगी। प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, आपके साथ नहीं आपके प्यार नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एक बार फिर से धन्यवाद पूरी कमेटी का दंगल कि हमें अतिथि के रूप में आप लोगों ने याद किया, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई मुलाकात को 13 तारीख को, बने रहिए हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे सर के साथ। हेलो हेलो मोनू पहलवान का नाम लेके जाए, ये सभी पहलवानों का से अनुरोध है, ये जो आपने अव्यवस्था कर रखी है प्लीज इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो मुझे करा दो, मुझे करा दिया था। अगर आप लोग व्यवस्थित रहेंगे तो इस दंगल का मजा आएगा, वरना तो मैं जबरदस्ती भी करा देता हूँ व्यवस्था। मुझे नहीं, आप सभी पहलवान है संभालते मेरे लिए, तो मुझसे ऐसा बात अगर आप ना करवाए आप बिल्कुल बाहर हो जाइए। दो एक्स्ट्रा बैठे सामने, ये भी लड़के हेलो, ये जो भी बाहर बैठे हैं या अंदर आ गए वो कृपया करके मुझे ना कहना पड़े बाहर चले जाए, नहीं तो मैं खुद उठा उठा के उन्हें बाहर भेज दूंगा। ये दंगल कमेटी प्लीज इस बात को देखे, जो लोग आपके अंदर आने के योग्य है उन्हें बिठाइए और बाकी उसमें जो नहीं है उन्हें पुलिस बाहर करिए ताकि ये व्यवस्था बनी रहे और आपका ये प्रोग्राम सकुशल संपन्न हो। ये एसओ साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा मत करो कि आपके साथ में असम्मान किया जाए, सम्मान की दृष्टि से रहिए, सम्मान पाने के हकदार बनिए और सम्मान के साथ कुश्ती लड़िए। कुश्ती बाहर मिलेंगी, बाहर अंदर किसी की नहीं मिलेंगी, अंदर केवल वही पहलवान आएंगे जिनकी जोड़ बदली हो, बस हर कोई आकर के कुर्सी पे बैठ जाता है, हर कोई आकर के चाय जो बोल देता है, ऐसे नहीं, शांति बनाएगा व्यवस्था बिगड़ जाएंगे। मैं देखा बहुत से ऐसे लोग कुर्सियों पर नहीं है जिनको बैठना चाहिए और जिनको नहीं बैठना चाहिए वो बैठे होंगे, तो सोच लेना चाहिए आप लोगों को। देखिए सभी एक जयकारा लगा के बोलो वीर बजरंग बली की जय। अरे अंदर आ गए हनुमान क्या हो रहा है, एक बात करो। देखिए सभी पहलवानों से अनुरोध है बैरिकेडिंग से अंदर ना आए, पहलवान जाना बाहर करो। देखिए हमारे दंगल के बीच में हमारे गुरु जी गुरु अखाड़ा लालपुर झज्जर हरियाणा आ चुके हैं, गुरु जी का आदर सम्मान अभिनंदन वंदन करते हैं कमेटी की ओर से। गुरु जी आपका स्वागत है। जिन जिन पहलवानों के नाम बोले जाएंगे पर्ची के द्वारा वो ही पहलवान अंदर आए, बाद में ये न कहे कि हमारा निरादर कर दिया, अनादर कर दिया, पहली गिनती से बाहर रहे। कुणाल पहलवान और नैना के बीच में चल रही है और देवा की और स्मृति चल रही है,
एक मिनट का टाइम है नैना वाली कुश्ती पर। बहुत ही अच्छी कुश्ती, अच्छे पहलवानों की कुश्ती आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही जबरदस्त कुश्ती, देखिए पहलवान, बहुत अच्छी कुश्ती। चलिए देवर पहलवान बरकाओ सोनू संजय खड़ा कौन है भैया? पहलवान का संजय खड़ा सोनू पहलवान, सोनू पहलवान संजय खड़ा कौन है भाई? देवर मेरे पास में बैठा हुआ है। अरे मुरारी तो बाहर क्यों नहीं चले आते हो? ये कुश्ती बराबर, और देखो दूसरी कुश्ती कितनी गजब चल रही है आपके सामने। हेलो, ये 21 साल में पहले नैना पहलवान की कुश्ती है। नैना पहलवानों सूर्जा कानोली खड़ा भुतेश्वर मथुरा, जिन पहलवानों के नाम बोले जाएंगे वो ही बैरिकेडिंग के अंदर आए। बाद में ये निकले पहलवानों, हटिए पीछे हटाइए पहलवानी, सेना पहलवान पहलवानों सभी दंगल एक समान नहीं होते हैं। यहाँ बहुत बहुत आप अपनी गरिमा को बनाए रखें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। रचित पहलवान अच्छा नहीं लगता है, और राजा पहलवान भूतेश्वर, रचित पहलवान और राजा भूतेश्वर ये कहा है दोनों पहलवान? मैं आवाज कर रहा हूं केवल वही पहलवान अंदर आएंगे। हटाइए सर, हटाइए सभी को, हटाइए यहां से, बैरिकेडिंग से सभी को हटाइए यहां से। पहलवानों आपका दंगल है, आपको ही व्यवस्था संभालनी है इस दंगल की। हटाइए, हटाइए सर, सभी को हटा दीजिए बैरिकेडिंग से। पहलवानों का दंगल है, पहलवानी इसकी व्यवस्था कराने के लिए कैसे काम चलेगा? सुभाष पहलवान आपने बोला था लिली गुरु जी कहां भी आए थे? मारुत्या ग्राउंड में लिली गुरु जी आ चुके हैं, तो उनको मंच पर भेजिए, कमेटी उनका स्वागत करने के लिए बैठी है। राजा पहलवान साधन अखाड़ा भूतेश्वर, चलिए पहलवान आपकी कुश्ती होगी। क्या बराबर होगी मैं बोल दूं, मैं ये 21 साल के लिए बराबर हुई है कुश्ती, इस पर निकले ना। आइए स्वामी जी आपका स्वागत। सवरे रहे छोरा लेके देखिए आपके दंगल में देश विदेशों तक कुश्ती का प्रचार प्रसार करने वाले अरुण दुबे जी आपका सम्मान करते हैं। दंगल में आए हैं, जो दंगल के ऊपर जो खड़े थे अभी घूम रहे हैं अरुण दुबे जी,
कुश्ती का प्रचार प्रसार करने वाले आपके दंगल में आ चुके हैं, जो देश विदेशों में कुश्तियों का प्रचार प्रसार करते हैं। सौरभ नीलू मदन लाडपुर और पप्पू पहलवान पलवल कुश्ती होगी अपने अपने कक्ष नाच के दंगल प्रांगण के अंदर आ जाए। अखाड़ा पलवल दंगल के बीच आ जाए। बब्बू भाई साहब कुश्ती किसमें भेज दिया गया? सोहेल वाली कुश्ती की पर्ची न आई सोहेल वाले की पर्ची नहीं है, उसे लिख लो आप 2100 रुपए की कुश्ती है। हाँ कोई बात नहीं हनुमान भाई, हम पे वो बस एक समान है। देखिए आपके दंगल के बीच में वीरेंद्र पहलवान प्रधान उमरपुर दंगल कमेटियों का स्वागत करती है, वंदन करती है। वीरेंद्र पहलवान जो वर्तमान में प्रधान है उमरपुर से, कुश्ती पर एक मीना बहुत अच्छे भाई वाह, बहुत अच्छी कुश्ती आपके सामने को चल रही है। एक बच्चू पहलवान जी का सपुत्र है, प्रथम का रहने वाला है। देखिए बहुत अच्छी कुश्ती आपके सामने, कुश्ती फाइनल के कगार पर जाती हुई, देखिए बहुत अच्छी कुश्ती आपके सामने, कुश्ती को अंदर ले गया है सुभाष पहलवान। एक मिनट भैया, जिनको पहलवानों की अकेली कुश्ती होनी है मेरे पास एक सूचना आई है कि वो दोनों आ चुके हैं, और उनसे मैं कहूंगा कि आप अखाड़े के मध्य में आकर के एक बार जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करें और उनको दर्शन दे आकर के आओ। तो बड़े पहलवान है दोनों, कृपया अखाड़े के मध्य में आए। और नीलू गुरु जी से कहूंगा मैं कि आप मंच पर आकर के अपना उचित स्थान लें, नीलू गुरु जी आए। कृपया उमेश अजय दोनों पहलवान अखाड़े के मध्य में बैठ पर घूमे। संजय पहलवान हरियाणा से भी आ चुके हैं। देखिए जनता का जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो दोनों पहलवान हमारे बीच में आ चुके हैं। उमेश पहलवान कारा और अजय पहलवान भारत के श्री, दोनों के मेरी आवाज सुन रहे हो तो दोनों अखाड़े में आकर एक बार जनता को अपने दर्शन दें। उमेश पहलवान और अजय पहलवान कुश्ती चुने ही जब करूंगा। उमेश पहलवान अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, अजय पहलवान दोनों अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अखाड़े के बीच में आ जाए। जनता उनका केवल दर्शन करना चाहती है, एक बार वो अखाड़े के बीच में आए दोनों पहलवान। ढोल वाले गेट के पास आ जाए, ढोल वाले देखिए ये हरियाणा केसरी संजय पहलवान आपके सामने आ चुके हैं दंगल कमेटी का। संजय पहलवान का कमेटी जोरदार स्वागत करते हैं। संजय पहलवान, संजय पहलवान मित्रों ब्रज में लगता है, ब्रज के बॉर्डर पर लगता है, संजय पहलवान मित्रों गांव पड़ता है, आइए संजय पहलवान आपका स्वागत है सम्मान है। देखिए जनता से हमारा अनुरोध है जो वीरेंद्र पहलवान प्रधान कुमार दो कमेटी का स्वागत करते हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। सुमित सोनी जी दंगल कमेटी आपका स्वागत सम्मान करती है, अपना स्थान ग्रहण करें दंगल कमेटी में सुमित सोनी जी। देखिए हमारे दंगल में बहुत बहुत दूर के मेहमान आए हुए हैं, राजस्थान हरियाणा पंजाब, संजय पहलवान घोड़ी चाट, देवा पहलवान मथुरा, चिप्पो पहलवान बसेला, देखिए शेरा पहलवान सौंप, उमेश पहलवान भारत के श्री, आप आई लोकल पहलवान है भारत के श्री कानों का रहने वाला है, सचिन पहलवान दिसंबर दंगल कमेटी के लिए धन्य है। पहलवानों का महाकुंभ चल रहा है, बहुत ही दूर दराज से
इनके वीडियो को 51 लाख दर्शक देख चुके हैं। इस वीडियो को 51 लाख दर्शक देख चुके हैं, इस दंगल को लाइव देख रहे हैं। 51 लाख लोग आपके दंगल को लाइव देखते हुए टोनी सेठ जी धन्यवाद के लिए आपके दंगल को। एक दंगल लगाने का महत्व है, एक भागवत कराना पहलवानों को बुलाना बहुत ही धन्य है इस कमेटी के लिए। आप अपना परिचय तो दीजिए सर। ये वर्तमान में भी वो है जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र भगत जी जो दंगल संयोजक है, दंगल कमेटी में अपना स्थान लिए हुए, दंगल कमेटी का सम्मान करते हुए जिन्होंने अपने इनका बेटा है हनुमान पहलवान ब्रज केसरी जो दंगल का दायित्व संभाले हुए है, महत्वपूर्ण दायित्व हनुमान पहलवान और पुरानी पहलवान को ही आता है। धन्य से पहलवानों को जो युवा पहलवानों को प्रोत्साहित करते हुए भगवान सिंह कोच साहब और हमारे निहाल सिंह कोच साहब कुश्ती नायक कोच की भूमिका निभाते हुए पिछली साल भी इस दंगल का बहुत ही अच्छा शुभारंभ हुआ था। देखिए आपने आंखों देखा हुआ हाल आपके सामने चलता हुआ लोकेंद्र पहलवान कोसी और राहुल पहलवान महोली, लोकेंद्र कोच और राहुल महोली कौन है दोनों जल्दी निकल के आओ। हमारे मंच में आ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सनी जी, दंगल कमेटी उनका लोकेंद्र पहलवान कोसी राहुल पहलवान महोली तैयार होकर कचकाचा दंगल के बीच में आ जाएं। सभी पहलवानों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है तो बैरिकेडिंग से दूर रहे, बाद में ये निकले हमारा नारा कर दिया बिरादर कर दिया। देखिए पहलवानों पहलवान कुश्ती करते हुए ही अच्छे लगते हैं, वरना डिसिप्लिन में रहना ही अच्छा लगता है। आइए अगस्त पहलवान भारत के श्री आपका स्वागत है सम्मान है पहलवान, आइए दंगल कमेटी आपका सम्मान करती है दर्शन करना चाहते हैं। आइए पहलवान लीलू गुरु जी अखाड़ा लाडपुर हरियाणा दंगल के बीच आ चुके हैं, दंगल कमेटी उनका हाथ जोड़कर स्वागत करती है सम्मान करती है। ये देखिए उमेश पहलवान मेरे बीच में आ चुका है, आइए उमेश पहलवान भारत के साथ उमेश पहलवान हमारे बीच में ताजिया बजाइए। इस पहलवान ने हमारे भारत के श्री पहलवानों की यहाँ कई भारत के श्रोत की पहलवानों की कुश्ती आपके सामने होगी। अभी आपके सामने लीलू गुरु जी का स्वागत, सूरज पहलवान मनीष पहलवान ताली बजाकर स्वागत करें, सूरज पहलवान सत्तू खेड़ा मनीष पहलवान गुड़ेरा ये कहे दोनों पहलवान, अमित पहलवान महोली और रवि पहलवान उस पार, अमित महोदय रवि उस पार, क्या आवाज नहीं सुन रहे कुश्ती लिखा के बताते हैं हमारी कुश्ती नहीं हुई। ये नाम बने हुए कौन सी जोड़ी तैयार है वो निकल के आए देखो ये सामने अमित महोदय रवि उस पार कौन है कुश्ती जीता जी हाँ हाँ तो नाम ऊपर राजा दोनों पहलवान। चलिए पहलवान आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, हमें हम अपने भाई लीलू गुरु जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। अजय पहलवान भारत के श्री अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार दंगल में आने का कष्ट करें। देखिए अजय पहलवान भारत के श्री दंगल के बीच में आ चुके हैं, आइए पहलवान दंगल प्रांगण में जब तक आप दर्शन करना चाहती होंगे आइए पहलवान। अजय पहलवान भारत के श्री दंगल के बीच आ चुके हैं, दंगल कमेटी उनके दर्शन करना चाहती है। स्वागत है पहलवान जी आपका स्वागत है। देखिए भारत का प्यारा प्यारा पहलवान अजय गुर्जर लेके आए
जाए गुर्जर, ये दोनों पहलवान जो आपको दिखाएंगे क्रिकेट में, आपको दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये पहलवान जो विराट कोहली और रोहित शर्मा है दोनों पहलवान। मथुरा की जनता से अनुरोध है ताली तो बजा दो, कम से कम बात कर लो, नीचे बात कर लो।
से उतर के दिखता नहीं है पब्लिक को, अखाड़े से नीचे आ रहा भैया, सुल्तान शर्मा जी दंगल के बीच कमेटी के बीच जाते हुए दंगल कमेटी उनका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिवंदन करती है। हमारे यहाँ जनता जोरदार ताली बजाकर स्वागत करे, उजाले का प्रकाश करते हुए मंत्री जी के भाई सुल्तान शर्मा जी स्थान ग्रहण करे, दंगल कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। मुरारी पहलवान राजस्थान कैसे हमारी आवाज सुन रहे हो तो इस बच्चे की पुष्टि जरूर कराए। साहिल पहलवान नीलू गुरु अकाड़ा लाडपुर जाइए, बहुत ही अच्छी कुश्ती आपके सामने बैठा दो। भगवान सिंह बहुत ही अच्छा पहलवान है, साहिल पहलवान लीलू पहलवान लीलू गुरु जी अखाड़ा लाडपुर जज्जर में पड़ता है हरियाणा में। चलिए पहलवान बहुत ही कम उम्र का पहलवान है साहिल पहलवान। अबू भैया मेरे पास चलिए कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, जनता दिल खोल के देखेगी, आगे खोल के देखेगी कुश्ती को, बहुत ही अच्छी कुश्ती साहिल पहलवान लीलू अखाड़ा लाडपुर जज्जर हरियाणा। वही हो तो पहलवानी में कुश्ती में चोट लग रहा ये उसका कुश्ती का सिंगार है, कोई जरूरी नहीं है कब किसके चोट लग जाए कुश्ती में। अरे कोई कुश्ती में तो चोट लगती रहती है गुरु जी, सबके चोट लगी है, ये कोई पहली बात नहीं है जो चोट लगी हो। अरे हजारों चोट खाए हम बैठे हैं। बजट का काफी अंतर था दोनों पहलवानों के मध्य में, हम किससे कहे पूरे उदो तू कहां पे जाने जाके कांटो लगे वही जाने, जो लड़ता है उसी को पता पड़ता है गुरु जी, देखने वाले को मेला देख कर चले जाएंगे, जो लड़ता है उसी के कलेजा को पता पड़ता है, जो अपने बच्चों को खिलाता है उसी को पता पड़ता है कि पहलवानी कैसे होती है, इसको पहलवानी कहते हैं, ये खेल नहीं है। बहुत मर्द का दर्द नहीं होता गुरु जी, चोट लगती रहती है कोई बात नहीं, चोट लगी है तो ठीक भी होगी। बाबू भैया इस कुश्ती के बाद में सम्मानित अतिथियों का स्वागत सत्कार हो जाए और उस्ताद खलीफा होगा उनके बाद। हाँ देखिए कौन है कुश्ती पर कोई रेफरी ध्यान दे कुश्ती हो पर, ये कुश्ती देखे क्या हुआ है, देखिए जनता खोल के बताएगी, जनता इसलिए आती है नगर में, अगर रेफरी पे कोई गलती हो जाए तो जनता उसका फैसला लेती, बताइए कुश्ती हुई बताइए, नहीं हुई तो कुश्ती दोबारा होगी, चलिए पहलवान चलिए और कुश्ती फिर फाइनल होगी, इस बात का फैसला इस बात का हम फायदा करते हैं तो कुश्ती फिर फाइनल होगी, ये कुश्ती फाइनल होनी है, ये वादा है आपसे कुश्ती का काम फिर
ही कोई प्रधान नहीं बनता है। चलिए अभी सुभाष पहलवान तुमको कुश्ती से इस्तीफा देने नहीं देंगे। भैया मैं रेफरी से कहूंगा ध्यान दे कुश्तियों का, पूरा ध्यान बिल्कुल है आपसे। अभी तुमको सही रेड़े अभी पहलवान बनाना है, सही रेड़े दीजिए और देखिए। अमित जी हाँ अब एक अनुरोध है मेरा सबसे, हाँ केवल ध्यान से पूछ और जैत वाले भगवान से ऊपर है बाकी अपने उत्तराज का विवाद दो। हाँ तो ठीक है आप कह दीजिए सभी पहलवान नीचे आ जाए, सुभाष पहलवान नीचे आ जाए, सबका स्वागत करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, सबसे बड़ी कुश्ती होने वाली है और कुश्तियों पर ध्यान विशेष रखा जाए, जिस प्रकार की चूक अभी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। सत्रीय पहलवान रहे, आपने इस कुश्ती को नजर से देखा कितनी अच्छी कुश्ती हुई है, तो मैं किसे का अनुरोध करता हूँ सत्रीय पहलवान रहे बहुत ही अच्छी कुश्ती इसने लगाई है। और चलिए भैया मेरा सुन लो पहले मेरी बात, बाबू भैया मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपके कहने पर हाथ जोड़ के हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे पीछे हो जाओ सब लोग, मेरी प्रार्थना है मेरे लगे भैया कैसे होगा इस लड़के का क्या हुआ है बताइए, पहले जो कुश्ती हुई थी रेफरी क्या कर रही है बताइए, बताएंगे सुशी में उस समय कुश्ती दी गई थी कि नहीं दी गई थी ये बताइए। अभी इनका स्वागत हो जाए तो फिर मैं सभी उस्ताद खलीफाओं से निवेदन कर रहा हूँ, जो अखाड़े के उस्ताद खलीफा हैं इनके बाद में वो पहुंचे। अभी हमारे मानी से वाले पहलवान जी को रोक लो, उनको पहलवान उस्ताद खलीफा है। हाँ, उनके साथ होगा। पहले सभी पदाधिकारी कमेटी के सदस्य बीजेपी के लोग उनका स्वागत किया जाएगा, फिर उसके बाद में उस्ताद खलीफाओं का स्वागत किया जाएगा। आइए राजू यादव जी, भाई इन सभी के सहयोग से ये दंगल दंगल आ गया, भरतपुर अखाड़े के मेंबर हैं बाबू भैया से बोल रहे हैं, पहलवान भी किए राजू यादव जी ने, ये जो दीदी ये जो सम्मानित बंधु हुए हैं इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं की वजह से हम सभी सब के लोग दंगल देख पा रहे हैं, दंगल और सम्मान मिल रहा है। हाँ सापा और तस्वीर लेके आए सुनील, हनुमान पहलवान ध्यान रखें, थोड़ा स्वामी बिहारी चतुर्वेदी जी भी आ जाए, कोई भूल बिहारी चतुर्वेदी किसी की कोई शिकायत रह जाए हनुमान पहलवान ध्यान रखना, और कोई अंकुर बीजेपी Thank you.
Thank you.
फिर उसका झंडा उठा करूंगा। एक मिनट जरा जनता का अभी लेंगे। हाँ जाइए सुभाष पहलवान, उसका कली माँ का सम्मान करवाए, जरूर करवाए। लेट मत करिए। मैं हनुमान पहलवान जी और पुरानी पहलवान से अनुरोध करता हूँ, उसका कली माँ का नाम बोले और उनके सम्मान की तैयारी करें। एक कुश्तियों के बाद तुरंत हरिओम पहलवान करवाया लिया कर कली माँ जी आ जाए, शिवाली पहलवान जी आ जाए, नदी कली माँ जी आ जाए और जो जो अखाड़े ये सभी मथुरा के अखाड़े हैं और भारत के अखाड़े के राजू पहलवान आ जाए, वो आके खलीफा है और जो जो भूल रहा होंगे सत्तर पहलवान जी आ जाए, अखाड़ा बरौली अहिर वाले आगरा जिला। पांच मिनट कुश्ती का टाइम, पांच मिनट का शेष टाइम है कुश्ती का। मदन भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, बामन जी बगीची वाले अभी न्यूज चैनल के डायरेक्टर धनेश चतुर्वेदी
वायु फैलने की वजह हमारे फैलने की वजह देखिए हमारे ब्रज की कुश्ती मैदान अजीत पहलवान वर्ष है। आइए हमारी जोरी पहलवान भोपाल पप्पू पहलवान जी आइए आपका स्वागत है सम्मान जनार्दन पहलवान जी आप फोन में बहुत बिजी हो रहे हो हमारी बात सुने इन लोगों की पहले दिन नौजवानों की ऐसी दंगल होते रहेंगे तो पहलवान की लगता रहेगी जनार्दन के और हवाले वाली कुश्ती मैंने भी करवाई है और ये बहुत बड़ी आराम सर आगे बढ़े दंगल करिए जनार्दन अरे अखाड़े तो खाली रहे भाई खेती